आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पोअर रिस्पॉन्डर्स वो पेशेंट्स होते हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ड्रग्स को, जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं। ये लो रिस्पॉन्डर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें बहुत कम एग्स बढ़ते हैं, सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स होता है जो हम मेडिकेशंस देते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, स्पेशली IUI हो गया, IVF हो गया, उसमें रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आता मेडिकेशंस के। ट्रीटमेंट जो है चैलेंजिंग होता है, बट बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब अगर हम इंडिविजुअलाइज करें, पेशेंट टू पेशेंट अगर हम डिसाइड करें तो चांस ऑफ सक्सेस अच्छा होता है। आइए देखते हैं पोअर रिस्पॉन्डर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। पहले तो एक प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन होता है। थरो इवैल्यूएशन से कपल की फर्टिलिटी हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकल कंडीशंस क्या है, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या लिया गया, ये सब देखा जाता है। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि ओवरीज का रिजर्व क्या है, यानी कि आपके एज के मुताबिक अंडे हैं या नहीं। AMH, FSH, ईस्ट्रोडल लेवल्स, ये सारे हार्मोन्स चेक किए जाते हैं और इन हार्मोनल प्रोफाइल्स द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलता है आपके ओवरीज के फंक्शन के बारे में। एक ट्रांसवजाइनल स्कैन भी किया जाएगा ये देखने के लिए कि आपके ओवरीज में कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं, आपके एज के मुताबिक हैं या नहीं, ओवरऑल आपके ओवरीज कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर टेलर्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए जाएंगे। टेलर्ड यानी आपके बॉडी के मुताबिक इंडिविजुअलाइज्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए जाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। माइल्ड या मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं कभी कभी, ये रिस्क ओवर स्टिमुलेशन रिड्यूस करने के लिए किया जाता है और अंडों का क्वालिटी बरकरार रखने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल्स में FSH, LH जो गोनाडोट्रोपिन से इंक्लूड किया जा सकता है, या क्लोमिफीन सिट्रेट या फिर एरोमेटेज इनहिबिटर्स भी दिया जाता है। कॉम्बिनेशंस में देकर बेस्ट क्वालिटी एग्स को निकालने की कोशिश की जाती है। गोनाडोट्रोपिन एडजस्टिंग डोसेस भी दिए जाते हैं, यानी कि पेशेंट को ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान केयरफुल मॉनिटरिंग करते हुए ये गोनाडोट्रोपिन जो मैंने आपको समझाए उसका डोस एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि आपके रिजर्व के मुताबिक आप रिस्पॉन्ड कर सके। ये फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल लेवल द्वारा किया जाता है। कई केसेस में डुअल स्टिमुलेशन भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन दिया जाता है ताकि अंडे निकल पाए। कई बार ग्रोथ हार्मोन भी दिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन अगर हम ट्रीटमेंट में ऐड करें तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट अच्छा होता है, यानी कि अंडों का क्वालिटी अच्छा होता है पोअर रिस्पॉन्डर्स में। कई सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन से एक क्वालिटी अच्छा होता है। अक्सर IUI भी किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, स्पेशली अगर माइल्ड मेल फैक्टर हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। IUI अगर हम कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, कंट्रोल्ड कम दवाइयों के साथ इसको हम कंट्रोल कर सके दवाइयों को और कम एग्स को ग्रो कर सके तो क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छा होता है और IUI कुछ केसेस में काम कर सकता है। नेचुरल साइकिल IVF या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल IVF भी कभी कभी पोअर रिस्पॉन्डर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इन पेशेंट्स में सेंसिटिविटी होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स के लिए, तब नेचुरल साइकिल IVF या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल IVF के बारे में सोचा जाता है। तो इन अप्रोचेस में क्या होता है, एग्स को बाहर निकाला जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, ज्यादा डोसेस नहीं देते हैं स्टिमुलेशन में, इसलिए एग क्वालिटी भी अच्छा रहता है। कभी कभी एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी काम कर जाते हैं, जैसे कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये IVF का एक भाग होता है जिसमें एग्स को ग्रो करके उनके बाहर निकाल के आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके डेवलप किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है पोअर रिस्पॉन्डर्स में। एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छा तरीका है। अंडों को या एम्ब्रियोस को फ्रीज किया जाता है, फ्यूचर में इन एम्ब्रियोस को आपके गर्भ में डालकर प्रेगनेंसी की कोशिश की जा सकती है। तो ये हुए थोड़े तरीके जिनमें ओवेरियन रिजर्व को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देने से सक्सेस रेट बढ़ सकता है। इनफर्टिलिटी बहुत चैलेंजिंग होता है, कभी कभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कम लगते हैं आपको, लेकिन अगर आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करेंगे, आपके क्वालिटी, आपके ओवेरियन रिजर्व को देखते हुए इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल द्वारा बेस्ट एग्स को निकालने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अंडे आएंगे तो क्वालिटी पे अच्छा रहेगा, सो क्वालिटी पे ध्यान रखते हुए वो ट्रीटमेंट करेंगे जिससे आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।